Good morning, children. This is Class Six MCB Chapter Five Villa with a Bathroom. We have done question answer of this chapter. Now come next page writing. Here we have to correct the sentence. First of all, is done for you. Them's been worrying you He asked mother, Have they been? In this way. नंबर बी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूजेज मी इज हियर रिटेन वी हैव टू राइट हियर एक्सक्यूज मी आई हैव पुट अंडरलाइन हियर यू कैन सी ही सेड आई विल फिक्स देम वी हैव टू राइट हियर देम इंस्टीड ऑफ देम्स इन दिस वे नंबर सी ऑल्सो ही देन टर्न टू अस क्या लिखा है यहाँ ही देन टर्न टू अस वी हैव टू करेक्ट इट देन ही टर्नड Okay, first of all, we have to write here then after that he turned to us and said in this way we have to fill here but he has no space now, that's why we will do it in your in the MCB copy of your of your chapter number five, chapter number five. Okay, after question answer, we will do it in your copy. So in this way we will complete it. Number F here is written I lived in America. You have to write here I lived. Okay, children. Now come next. Here spelling and pronunciation. We have to encircle the sound which has not which is not here the sound of S U S, -S sound. Okay. Number one is ambitious. Here we can listen the sound CS. Ambitious. Number two, force. CS. Caution, delicious, cautious, and VCS. Okay, this is the odd one here. And VS. In this way, which one is odd here? We have to circle it. Understand, children? Now, vocabulary number d this is metaphor simile this is given in your grammar chapter 16.1 you can see in your grammar book chapter number 16.1 is given here metaphor and simile what is metaphor and simile it is a it we, when we compare some person to something it is called metaphor or simile only one difference is here मेटा वी यूज डायरेक्टली कंपेयर कंपेयर द थिंग्स बट इन सिमली वी कंपेयर द थिंग्स एंड वी पुट एज एंड लाइक हम लोग एज या फिर लाइक like लगा कर कंपेयर करते हैं हियर इट इज़ रिटन हियर सिमली ही स्ट्रोड ओके चलें ही स्ट्रोड ही ओके इन टू रूम लाइक एंड एंग्री लायन एंड एग्री लाइन ओके यहाँ पर लाइक यूज किया हुआ है एज जेंटिल एज लैम बट इन मेटाफर एंड एंग्री लाइन सीधा डायरेक्ट एन एंग्री लाइन लिखा हुआ है ना जेंटल लैम विथ चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रेन दिस इज कॉल्ड मेटाफर एंड दैट इज कॉल्ड सिमली जहाँ पर एज जेंटिल रहेगा वहाँ पर सिमली हो जाएगा और जहाँ पर डायरेक्ट एन एंगरी लाइन करके है वो मेटाफर हो जाएगा अंडरस्टैंड चल रहे हैं नाव कम हेयर मेक सिमिलिस फॉर योर ओन आपको यहाँ पर खुद से सिमिलिस बनाना है एज डिफिकल्ट यहाँ लिखा हुआ है ना फर्स्ट एज डिफिकल्ट दिस एक्सरसाइज एज इजी दिस एक्सरसाइज नंबर थ्री क्या है एज डिलीशियस एज कोई फूड आपको पसंद है तो वहाँ पर यहाँ फूड का नाम आप लिख सकते हैं ठीक है थीके? जो आपको फूड पसंद है डिलीशियस लगता है

दीज वर्ड्स यहाँ पर फिलअप करना है आपको आई हैव पुट योर रिमार्क यर ए बी सी डी यहाँ लिखा है ना ऊपर मैंने लिख दिया है इन दिस वे वी डू इट यू डू इट इन योर बुक इट सेल नॉट इन द कापी नाउ ग्रामर एडजेक्टिव यहाँ पर एड्जेक्टिव पढ़ाया है आपको लेकिन हम लोग इसको अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज एक्जेक्टिव आप लोग को ग्रामर बुक से ही पढ़ाएंगे अंडरस्टैंड तो आप लोग हमको सेंड कर देना है एडजेक्टिव ग्रामर बुक से तो वो मैं पढ़ा दूँगी इन द नेक्स्ट क्लास नाव हीअर फिल इन द ब्लैंक्स दिस सेंटेंस मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है विद दिस हेल्प यू फिल अप द वर्ड्स हेअर आई डोंट डो इन द कापी डो इन द बुक इट्स हेल्प बुक में ही इसको करोगे कॉपी में नहीं करोगे नाव हीयर पेयर द फॉलोइंग वर्ड्स कंपाउंड एडजेक्टिव यहाँ पर भी मैंने आपको दे दिया है हिंट कैसे आपको फिलअप करना है नंबर वन कोल्ड यह चला जाएगा आपका यहाँ नंबर वन ब्लडेड ठीक है यहाँ साइड बाय साइड आप लोग नंबर देख लोगे इसको फिलअप करोगे इसके बाद फिर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ये सब हम लोग नहीं करेंगे अंडरस्टैंड चल रहे हैं बस हम लोग नंबर टू तक ही करेंगे नंबर पेज नंबर फिफ्टी वन तक ही होगा इसमें यहाँ पर आपको पॉजिटिव कंपरेटिव देना है ना पढ़ना है जो कि चैप्टर थर्टीन है आपका ग्रामर में इसको भी हम लोग ग्रामर बुक से ही पढ़ेंगे अंडरस्टैंड ग्रामर बुक का हमको पेज भेज देना मेटाफर का पहले भेजोगे फिर एडजेक्टिव भेजोगे और उसके बाद हम लोग सुपरलेटिव पढ़ाएंगे अंडरस्टैंड चल सो कम्प्लीट इट